हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है रेनॉल्ट ट्राइबर। ट्राइबर का प्राइस 4.99 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है एंड टॉप वेरिएंट का प्राइस 7.22 लाख रुपीस है। और ये आप सेकंड टॉप वेरिएंट देख रहे हैं, RXT ऑटोमेटिक, एंड इसका एक शोरूम प्राइस है 6.88 लाख रुपीस। रेनॉल्ट ट्राइबर के अंदर आपको 1 लीटर का BS6 पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 71 PS की पावर और 96 NM का टॉर्क जनरेट करता है। रेनॉल्ट ट्राइबर की ARAI क्लेम माइलेज है 18.2 KMPL ऑटोमेटिक के लिए और 20.0 KMPL मैनुअल के लिए। चलिए कार के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है सेंटर में एंड फ्रंट ग्रिल के ऊपर आपको क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं। हेडलैम्प्स के अंदर आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विद साइटन इंडिकेटर्स। नीचे की तरफ आपको इसके अंदर फॉग लाइट नहीं मिलती है, टॉप वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लाइट मिल जाती है। एंड ये है कार का कंप्लीट फ्रंट लुक। चलिए अब कार के साइड पे चलते हैं। आपको इसमें साइटन इंडिकेटर फेंडर लाइनिंग के ऊपर मिल जाता है एंड आपको इसमें 14 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं विद फुल व्हील कवर एंड टायर्स की प्रोफाइल है 165/80 R14। आपको इसके अंदर बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं एंड साथ ही बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स भी मिल जाते हैं। एंड ये है कार का कंप्लीट साइड लुक। चलिए अब कार की बैक चेक कर लेते हैं। आपको इसके अंदर कुछ इस टाइप के टेल लैंप्स मिल जाते हैं। सेंटर में आपको मिलती है ट्राइबर की बैजिंग एंड ये है कार का कंप्लीट बैक लुक। आपको इसके अंदर रियर डिफॉगर और वाइपर नहीं मिलता है, पर आपको यहाँ पे LED ब्रेक स्टॉप लैंप मिल जाती है एंड रूफ पर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। और ये है कार का कंप्लीट बैक साइड लुक। चलिए अब कार के अंदर चलते हैं। और ये इसका ड्राइवर साइड डोर ब्लैक एंड बेज फिनिश में। नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है और ऊपर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स और ORVM के कंट्रोल्स दिए गए हैं। चलिए कार के अंदर चलते हैं। रेनॉल्ट ट्राइबर के अंदर आपको कुछ इस तरह की कीज मिल जाती हैं लॉक और अनलॉक बटन के साथ। चलिए कार का इग्निशन ऑन कर लेते हैं। आपको इसमें व्हाइट एंड ब्लू इल्यूमिनेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है एंड सेंटर में आपको उसके MID मिल जाती है विद डिजिटल स्पीडोमीटर। आपको लेफ्ट हैंड साइड पर RPM मीटर मिलता है एंड ये है इस कार का स्टीयरिंग व्हील। आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। ये इसका हेडलैम्प्स का टॉगल। सेंटर में आपको इसके अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि काफी सारे फीचर्स के साथ आता है, जैसे कि AM, FM, USB, AUX, Apple CarPlay, Android Auto और ब्लूटूथ के थ्रू भी आप इसमें अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं। साइड पे आपको इसके वॉल्यूम नॉब मिल जाता है एंड उसके नीचे आपको वॉइस असिस्ट का बटन दिया गया है। उसके नीचे आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है और कार लॉक करने का बटन मिल जाता है। उसके नीचे आपको मैनुअल AC दिया गया है इसके अंदर। AC कंट्रोल्स के नीचे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है एंड उसके नीचे आपको USB और AUX के पोर्ट मिल जाते हैं। यह इसका AMT गियरबॉक्स विद मैनुअल मोड और उसके पीछे आपको हैंड ब्रेक दी गई है विद 2 कप होल्डर्स एंड कुछ इस तरह की आपको इसके अंदर फ्रंट सीट्स मिल जाती हैं। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो आपको इसके अंदर 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। एंड आपको इसके अंदर रियर AC वेंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जो कि यहां से कंट्रोल होते हैं। आपको इसके अंदर फैब्रिक सीट्स मिलती हैं एंड आपको इसके अंदर फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। चलिए कार की बैक सीट चेक कर लेते हैं। रेनॉल्ट ट्राइबर के अंदर टोटल 7 सीट्स का ऑप्शन मिलता है। यहां आपको मिलती है RXT की बैजिंग एंड ये इसका बैक डोर
ब्लैक एंड बेज फिनिश में। चलिए कार के अंदर चलते हैं। आपको यहां पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड ये है कार का कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक। एंड नीचे आपको यहां पे एक 12 वॉट्स का पावर सॉकेट दिया गया है। मेरी हाइट 6 फीट है एंड ड्राइवर सीट मेरी हाइट के हिसाब से सेट है। उसके बाद मेरे को इसके अंदर ठीक ठाक नी रूम, लेग रूम और काफी अच्छा हेड रूम मिल रहा है। एंड यहाँ ऊपर आपको एक कैबिन लाइट भी प्रोवाइड की गई है। रेनॉल्ट ट्राइबर की टोटल लेंथ है 3990 mm और विड्थ है 1739 mm। इसके अंदर आपको 182 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है एंड इसका व्हील बेस है 2636 mm। चलिए अब इसकी थर्ड रो ऑफ सीट चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपकी सेकेंड रो ऑफ सीट्स फोल्ड होंगी थर्ड रो में जाने के लिए। रेनॉल्ट ट्राइबर एक सबफोमीटर है तो जो इसकी थर्ड रो ऑफ सीट्स है वो सिर्फ किड्स के लिए है। यहाँ पे आपको काफी कम नी रूम और लेग रूम मिलता है। रेनॉल्ट ट्राइबर के अंदर आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि वाइट, सिल्वर, ऑरेंज, रेड और ब्लू। चलिए अब इसका बूट चेक कर लेते हैं। आपको यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन मिल जाता है ट्राइबर की बैचिंग के नीचे एंड आपको इसके अंदर 84 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। आप बूट स्पेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं थर्ड रो और सेकेंड रो ऑफ सीट्स को फोल्ड करके। आपको इसके अंदर रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। चलिए अब कार के बाहर चलते हैं। आपको बम्पर के ऊपर 3 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं इसमें एंड आपको स्पेयर व्हील की पोजीशनिंग यहां पे दी गई है। आपको रेनॉल्ट ट्राइबर के सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द कार शो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।